तो गाइस आप लोग को पता होगा कल मैंने एक गिवअवे किया था। एंड गाइस आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है वो पांच गिवअवे के विनर जिनको मिल चुके हैं पेट के क्रेट्स। और गाइस अगर आप लोग को भी गिवअवे में पार्टिसिपेट करना है तो गाइस आज मैं आप लोग को देने वाला हूँ नेक्स्ट गिवअवे का टास्क। तो गाइस आप लोगों को करना क्या है हमारे नेक्स्ट गिवअवे में पार्टिसिपेट करने के लिए, सिंपली गाइस आपको हमारे इंस्टाग्राम पर चले जाना है, वहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना है और किसी भी एक पोस्ट को गाइस लाइक कर देना है। यार यहाँ पर मैं बहुत सारे फ्री फायर के रिगार्डिंग लीक्स वगैरह डालता रहता हूँ, तो यार फॉलो तो ज़रूर करना है हमारे इंस्टाग्राम को। उसके बाद गाइस आपको आना है फिर से हमारे वीडियो में। एंड गाइज आपको कमेंट कर देना है अपना नाम एंड गाइज अपने जीमेल आईडी। और यार जीमेल आईडी आप लोगों को कमेंट कैसे करनी है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। डॉट कॉम आप लोग मत लिखना, सिर्फ यहीं तक कमेंट कर देना जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, एट दी रेट तक लिख लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद गाइज आप लोग कमेंट कर देना, जीमेल डॉट कॉम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एट दी रेट जरूर लिखना। जैसे कि देख सकते हो मेरा जीमेल आईडी लिखा हुआ है MDSwabe7861211@, ठीक है। यहाँ तक लिख कर आप लोग कमेंट कर देना और जो भी लकी विनर होंगे गाइज, पांच लकी विनर को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा क्रेट के कोड। और गाइज जो भी हमारा नेक्स्ट का नेक्स्ट गिवअवे होगा उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। और हाँ गाइज मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहूँगा, कुछ बंदों का जो कोड है वो रिडीम नहीं होता, जैसे ही रिडीम करते तो एरर का ऑप्शन आता है और कुछ ऐसा मैसेज शो होता है। तो गाइज मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, आप लोगों ने किसी एक कोड को भी अगर रिडीम कर लिया अपने अकाउंट पर, उसके बाद गाइज दूसरा कोड को आप लोग रिडीम करोगे सेम अकाउंट पर, तो गाइज ऐसा मैसेज आप लोग को शो होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों ने हमारा ही गिव अवे जीत लिया, किसी और यूट्यूबर भाई का गिव अवे जीत लिया, उन्होंने भी कोड दिया है, मैंने भी कोड दिया है, इस केस में गाइज आप लोग दोनों में से किसी एक कोड को ही यूज़ कर पाओगे, दोनों कोड एक अकाउंट में यूज़ आप लोग नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा कुछ होता है गाइज, ऐसा एरर शो होता है, तो समझ जाना कि हाँ भाई इस अकाउंट में जो भी कोड है वो यूज़ नहीं होगा, तो आप लोग अपने फ्रेंड को वो कोड दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि यार सभी यूट्यूबर भाई ना इस कोड का गिव अवे कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो हो सकता है यार आप लोग हमारे गिव अवे भी जीत जाओ, किसी दूसरे यूट्यूबर भाई का भी गिव अवे जीत जाओ। तो इस केस में गाइज जो भी कोड का एरर वाला ऑप्शन है आप लोग को देखने को मिल सकता है, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ, ओके। और जो भी पांच लकी विनर होंगे फ्रेंड्स, मैं उनको गिफ्ट सेंड कर दूंगा। एंड गाइज जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में उनका नाम भी मेंशन किया जाएगा। एंड गाइज हमारे नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आप लोग को फिर से एक नया टास्क दूंगा, आप लोग को फिर से उस टास्क को कंप्लीट करना होगा हमारे न्यू गिवअवे में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो गाइज ये जो गिवअवे वो लगातार चलेंगी, कितने दिन तक चलेंगी यार मुझे नहीं पता, बट हाँ एक हफ्ता तो आप लोग कन्फर्म रख लो, हो सकता है एक हफ्ते से ज़्यादा ही चले, बट हाँ एक हफ्ते तक ये जो गिवअवे वो चलने वाला है, जहाँ पर मैं अपने पाँच लकी विनर्स को बैठ के क्रेट के कोड दूंगा। और गाइज कोड को आप लोगों को रिडीम करना इस वेबसाइट पर, जो भी विनर होंगे मैं सब कुछ डिटेल लिखकर भेज दूंगा और उनको जो भी कोड वगैरह सब कुछ सेंड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो यार आज के गिवअवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना है और कोई भी एक पोस्ट को लाइक कर देना है, फिर से हमारे चैनल में आके आप लोग को कमेंट कर देना है अपना नाम और अपनी जीमेल आईडी, ठीक है। डॉट कॉम मत लिखना, बस आप जो भी आपका जीमेल आईडी है एट द रेट तक लिख कर छोड़ देना, एग्जाम्पल जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। कल के वीडियो में मैं उनका नाम भी मेंशन करूंगा जो कि विनर होंगे, और कल की ही वीडियो में पता चलेगी नेक्स्ट गिवअवे में आप लोगों को कैसा पार्टिसिपेट करना है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो के इंट्रो से। तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं थाईलैंड के सर्वर में। एंड हाँ गाइज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाया गया, अगर आप लोग ये सोचकर वीडियो देख रहे हो जो भी इवेंट है वो इंडियन सर्वर में भी आएंगे, तो प्लीज़ यार आप लोग वीडियो छोड़कर जा सकते हो, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। और लास्ट में हम लोग अपने प्रिडिक्शन लगाकर जानेंगे कि कौन कौन से इवेंट इंडियन सर्वर में आ सकते हैं, ओके। तो यार मैं स्टार्ट करूँगा लकड़ाल से, देखेंगे लकड़ाल में क्या चल रहा है। उसके बाद गाइज स्टोर सेक्शन में जाएंगे, देखेंगे स्टोर में कौन कौन से नए नए आइटम निकल कर सामने आए हैं, कितना डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। उसके बाद गाइज हम लोग देखेंगे इवेंट और जो भी ज़ॉम्बी समुराय का कॉस्ट्यूम आया हुआ गाइज वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ओके। तो चलिए यार चलते पहले लक रॉयल में और देख लेते हैं लक रॉयल में फिलहाल क्या क्या नई नई चीज़ें चल रही हैं और लक रॉयल के अंदर क्या क्या चीज़ें दी जा रही है। तो यार 3 दिन में ये गन का जो भी स्किन है वो खत्म होने वाला है P90 का, इसके अंदर क्या है यार। तो यहाँ पर गन के स्किन्स भी अवेलेबल है, ओहो क्या बात है, अच्छे अच्छे गन के स्किन्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, क्या बात है। और कुछ नया, अरे वाह क्या बात है, यहाँ पर ग्रेनेड के स्किन भी अवेलेबल है, ओहो क्या बात है यार, यहाँ पर लेजेंडरी वेपन के स्किन भी अवेलेबल है बट एक दिन के लिए दिया जा रहा है, लोल। और अरे वाह क्या बात है, ये जो भी इवेंट है यहाँ पर अभी भी चल रहा है रैग्नारॉक वाला, इंडियन सर्वर में तो आके चला भी गया, चलो कोई नहीं। डायमंड रॉयल में क्या चल रहा है भाई साहब, हाँ डायमंड रॉयल में एक कॉस्ट्यूम अभी भी अवेलेबल है, क्या बात है यार। और कुछ रेयर आइटम दिया जा रहा है यहाँ पर, नहीं बैकपैक ये वाली दी जा रही है, ठीक है। और ये दो इमोट दिए जा रहे हैं, चलो। और कुछ रेयर आइटम आई थिंक यहाँ पर नहीं है, ओके चलते गाइज जल्दी से स्टोर में देखते हैं स्टोर में क्या क्या। ओ भाई साहब गाइज देख रहे हो ना क्या अवेलेबल है यहाँ पर, ज़ॉम्बी समुराय का कॉस्ट्यूम। और यार ये किस तरीके से इवेंट में मिल रहा है वो भी हम लोग बात करेंगे, फिलहाल यार चलते हैं अभी बंडल्स में देख लेते हैं यहाँ पर कुछ नए नए कलेक्शंस वगैरह में कुछ आए हुए क्या।
इमोट में नया इमोट तो आया हुआ है, बट यार ये सारे इमोट इंडियन सर्वर में भी अवेलेबल है। खैर कोई नहीं, कुछ नई बात नहीं है। ओके, सर्फबोर्ड में कुछ नहीं आया, बैकपैक ये सारी चीज़ें कुछ नहीं आई हुई है, स्पेशल डेली स्पेशल में हाँ यहाँ पर भी कुछ खास चीज़ें नहीं मिल रही हैं। ओके चलते हैं क्रेट में गाइज, हम लोग देखेंगे इवेंट में क्या क्या चल रहा है। फिलहाल देख लेते हैं गाइज आर्मरी में क्या चल रहा है। ओके तो ये ग्लोवाल का स्किन यहाँ पर भी अवेलेबल हो चुका है। अच्छा, ऑप्टेन इन इवेंट, मतलब कि इवेंट में ही ये ग्लोवाल का स्किन मिलेगा ना। ओके और गाइज देख सकते हो ये गन का जो भी क्रेट है यार अवेलेबल हो चुका है थाईलैंड के सर्वर में, पता नहीं इंडियन सर्वर में कब तक आएगा। फिलहाल यार ठीक ठाक है, ओपी नहीं है, क्यूपिड स्कार से आप लोग थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हो, लेकिन यार क्यूपिड स्कार को टक्कर फिलहाल ये गन नहीं दे पाता क्योंकि ये गन का स्किन मेरे पास पहले से अवेलेबल है और न्यू में फिलहाल ये सारी चीज़ें अवेलेबल हुई हैं यहाँ पर। ओके क्रेट में गाइस देख सकते हो क्रेट में ये पोरिंग पैट का जो भी स्किन वगैरह अवेलेबल हो चुका है, साथ में ये टोकन भी मिल रहा है। इस टोकन के हेल्प से गाइस आप लोग इन सारी चीज़ों को फिर से एक्सचेंज कर सकते हो अगर रेयर आइटम यहाँ से नहीं मिला तो। न्यू में बस यही एक आया हुआ है, बाकी सब ये सारी चीज़ें ओल्ड है। ओके हाँ, वही सारी चीज़ें अवेलेबल यहाँ पर, और गिफ्ट में तो कुछ होगा नहीं। और रेडी में देखते हैं गाइस, अच्छा कोलोसस वाला कॉस्ट्यूम यहाँ पर भी अवेलेबल हो चुका है ना इंडियन सर्वर में भी, आई थिंक यार अवेलेबल हो चुका होगा। आप लोग कमेंट करके बताना गाइस, एक बार देख के कमेंट करके बताना ये कोलोसस वाला कॉस्ट्यूम मैजिक क्यूब स्टोर में अवेलेबल हुआ या फिर नहीं हुआ इंडियन सर्वर में। और कुछ खास यार एफएफ टोकन में, ओए ओ भाई साहब, भाई मैं क्या देख रहा हूँ अबे ये एफएफ टोकन में ये गन का स्किन दिया जा रहा है गाइस परमानेंट, भाई जहर है ये तो ओ भाई और कुछ नया दिया जा रहा है क्या यहाँ पर? नहीं नहीं और कुछ नया नहीं है, बस यार यही एक नया था लोल क्या बात है यार, सही है भाई। रैंक टोकन में तो कुछ नया होगा नहीं। आरपी आरडी क्वाइन, अच्छा रिडीम क्वाइन, हाँ ओके। और गिल्ड टोकन ये सारी चीज़ें, चलो यार अब चलते हैं इवेंट में देखते हैं। ओ भाई साहब यहाँ पर भी गाइज आ चुका है, गाइज ये क्या हो रहा है देख सकते हो यार। परसों मैंने आप लोग को लीक दिया था और लीक में बताया था कि ईस्टर एग इवेंट जल्दी आने वाला है, देख सकते हो गाइज पोस्टर दूसरे दूसरे कंट्री के सर्वर में निकल कर आ चुका है, मैंने यहाँ पर रिजर्व कर लिया। और गाइज कल मैं ब्राज़ीलियन सर्वर में गया था और आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो गाइज ये है वो वाली वीडियो, उसमें भी गाइज यहाँ पर ना ब्राज़ीलियन सर्वर में भी ईस्टर एग इवेंट का जो भी पोस्टर यार रिलीज़ हो चुका है और यहाँ पर भी रिलीज़ हो चुका है गाइज, क्या बात है यार जल्दी इंडियन सर्वर में भी ईस्टर एग इवेंट आने वाला है। खैर यार ये सारी चीज़ें तो कन्फर्म है इंडियन सर्वर में ईस्टर एग इवेंट आएगा। ओके तो ग्लोवाल का स्किन यहाँ पे मिल रहा है ना, चलो यार देखते हैं ये कौन सा नया इवेंट निकल कर सामने है। अच्छा ये फ्लिप इवेंट है यार, इंडियन सर्वर में तो चल ही रहा है, फ्लिप इवेंट है गाइज देख सकते हो यहाँ पर ये सारे रेयर आइटम है, साथ में ये जो कॉस्ट्यूम है वो रेयर आइटम में है, कुछ तो निकलने वाला है नहीं बिकॉज आई डोंट हैव डायमंड लोल, फिर भी यार देखने में मज़ा आ रहा है ये सारी चीज़ें देख सकते हो गाइज। डॉक्टर वाला कॉस्ट्यूम अवेलेबल हुआ है, साथ में जो भी ग्रेनेड का स्किन है ना यार वो भी अवेलेबल हुआ है। अरे यार ये पबजी वाला कॉस्ट्यूम मुझे क्यों लग रहा है बार बार लोल, चलो यार रहने दो। हाँ गाइज देख सकते हो पबजी वाला ही कॉस्ट्यूम है, भाई पागल कर रहेगा इन्हें वाला आजकल तो। क्लैप योर हैंड, अच्छा क्लैप योर हैंड क्या नाम रखा गया है भाई इवेंट का, जहर लेजेंड ऑफ जॉम्बी समुराई। ओह भाई साहब देख सकते हो गाइज यहाँ पर कितने रेयर आइटम अवेलेबल है गाइज, कितने रेयर आइटम अवेलेबल आप लोग देख सकते हो यार, रिमोट भी अवेलेबल है, एवोल्यूशन स्टोन भी अवेलेबल है और सबसे रेयर आइटम गाइज ये है जॉम्बी समुराई का कॉस्ट्यूम। और मिल कैसा रहा गाइज स्पिन करना, ऑफकोर्स यार जॉम्बी समुराई का कॉस्ट्यूम इतना रेयर ही है ना कि इसके लिए तो भाई साहब ये लोग फ्री में तो देने नहीं वाले, तो देख लो गाइज एक डायमंड का मतलब कि एक स्पिन का ये लोग 25 डायमंड ले रहे हैं और भाई साहब 5 स्पिन का ये लोग ले रहे हैं 100 डायमंड, क्या जहर चीज़ें निकल कर सामने आई है। उसके बाद स्पिन करना है, स्पिन करने के बाद गाइज यहाँ पर इन लोगों को टोकन कलेक्ट करना है। गाइज आप लोग को पता होगा ऐसा कुछ इवेंट इंडियन सर्वर में भी आ चुका है जहाँ पर हम लोग को शायद पोरिंग पैट वगैरह या फिर कुछ कॉस्ट्यूम वगैरह मिल रहे थे जहाँ पर हम लोग को टोकन कलेक्ट करना पड़ रहा था, कौन सा टोकन था यार मुझे याद नहीं आ रहा। टोकन कलेक्ट करने के बाद गाइज हम लोग इन सारी चीज़ों को ले सकते थे, उसी तरीके से गाइज यहाँ पर ना इन लोगों को टोकन निकालना होगा, जैसे ये वाली टोकन निकलेगी ना इस टोकन को इन लोगों को 5 कलेक्ट करना है, 5 कलेक्ट करने के बाद जो भी थाईलैंड के सर्वर के प्लेयर हैं ये सब कुछ ले पाएंगे। तो गाइस जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कुछ इवेंट इंडियन सर्वर में आ सकता है, बट यार जॉम्बी समुराई का कॉस्ट्यूम इवेंट में आएगा ही आएगा मैं ये नहीं कह सकता, बिकॉज जॉम्बी समुराई का कॉस्ट्यूम अभी भी रेयर है और मुझे नहीं लगता गैना वाले जॉम्बी समुराई का कॉस्ट्यूम हम लोग को ऐसा रेयर आइटम देने वाले, हो सकता है ये जब इवेंट इंडियन सर्वर में आए तो कुछ अलग आइटम देखने को मिले, बट यार हाँ हो सकता है ऐसा ये जो इवेंट है हम लोग को इंडियन सर्वर में देखने को मिले जहाँ पर हम लोग का डायमंड का लोल हो भाई साहब क्या ही मैं बोलूँ। ओ भाई साहब देख सकते हो गाइस यहाँ पर कस्टम रूम कार्ड अभी एलिट पास दिया जा रहा है भाई, अभी ये पागल हो गया क्या, एलिट पास के साथ गाइस देख सकते हो यहाँ पर मैजिक क्यूब भी दिया जा रहा है और लेजेंडरी गन के स्किन भी अवेलेबल है, डायमंड का भी कुछ यहाँ पर सीन दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर मैप में गाइस देख सकते हो मैप में दिखाया जा रहा है कि कुछ मिलेंगे वही डायमंड वाले वाउचर,
क्या है यार ये कुछ सीन मुझे समझ में नहीं आया गाइस, देख सकते हो चलो इस पे चलते यार। ओए भाई साहब क्या लिखा हुआ, फ्री फायर प्ले ग्राउंड। अबे ये कौन सा लैंग्वेज है बे पागल भाई, देख सकते हो गाइस मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है। बस देख लो यहाँ पर लिखा हुआ 499 डायमंड, पता नहीं यार यहाँ पर क्या सीन है, किस तरीके से इन लोगों को मिलेगा। लेकिन हाँ गाइस देख सकते हो कस्टम रूम कार्ड इन लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और गाइस यहाँ पर कुछ देख सकते हो एमिंग टाइप का बना हुआ है सर्कल के फॉर्म में, तो हो सकता है यार कुछ शूटिंग का चक्कर हो, कहीं पे जाके किसी को किल करना हो और कुछ स्पिन वगैरह करना हो, कुछ हो सकता है गाइस। लेकिन यहाँ पर इवेंट में इन लोगों को ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं। उसके बाद यार देखते हैं और क्या है यहाँ पर, गिफ्ट में क्या मिल रहा है यार हॉलीडे स्पेशल में। ओहो क्या बात है, हॉलीडे स्पेशल में गाइस देख सकते हो वेपन के क्रेडिट मिल रहे हैं और कुछ कॉस्ट्यूम्स मिल रहे हैं साथ में। अरे वाह क्या बात है, रेट ऑफ फायर वाला एक्समेट भी अवेलेबल है यहाँ पर। ओहो ओ भाई साहब बहुत जहर जहर चीज़ें दी जा रही है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो ये कॉस्ट्यूम भी अवेलेबल, आलोक बीच बॉडी। ओ भाई गाइस यहाँ पर आलोक बीच बॉडी भी अवेलेबल है, अच्छा उसका हेड भी अवेलेबल है और उसका, हाँ उसका सब कुछ अवेलेबल है गाइस। यहाँ पर आलोक कैरेक्टर का बीच बॉडी पूरा का पूरा सेट अवेलेबल है, देख सकते हो। अरे भाई साहब क्या चल रहा है यार यहाँ पर, और देखते हैं गाइस बहुत जहर जहर इवेंट निकल कर सामने आया। FF पिगी बैंक, अच्छा ये पिगी बैंक पे क्या है, अच्छा डायमंड वगैरह यहाँ पर शायद से जमा करने पड़ते हैं और डायमंड आप लोग जितना जमा करोगे उसके अकॉर्डिंगली शायद से हो सकता है कुछ आपको रिवॉर्ड दिया जाए। सही है यार, क्या मतलब यार क्या कंसेप्ट लगाए ये लोग। FF EXP पैक, ओ भाई साहब यहाँ पर EXP पैक का क्या चक्कर है यार। ओके क्यूपिड स्कार, अच्छा क्यूपिड स्कार का यहाँ पर क्रेड दिया जा रहा है, मुझे लगा क्यूपिड स्कार है। ओ भाई मैं तो चौंक गया था। और गाइस ये क्या है यार, ये भी कुछ अजीब सा इवेंट है गाइस, देख सकते हो यहाँ पर। अरे गाइस जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद से मुझे ये इवेंट के बारे में पता है, शायद से हो सकता है गाइस अगर आपके पास ये सारे आइटम पहले से हो, इनकी क्रेड पहले से अवेलेबल हो, तो शायद से इन सारे क्रेड के कॉम्बिनेशन से आप लोग कुछ और नया क्रेड बना सकते हो। क्योंकि यार यहाँ पर बैंक लिखा हुआ आप लोग देख सकते हो, FF EXP पैक, बैंक नहीं मतलब पैक है, तो हो सकता है यार कुछ मतलब आपके पास जो भी रेयर आइटम पहले से अवेलेबल है या फिर जो भी आइटम अगर आपके पास अवेलेबल है उसको कंबाइन करके आप लोग कुछ और भी चीज़ें ले सकते हो, ऐसा कुछ हो सकता है गाइस। देख सकते हो कुछ टिक करने का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, यार मुझे बिल्कुल भी नहीं पता गाइस ये क्या है, क्योंकि यार अपना लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ रहता तो यार हम लोग समझ जाते क्या है गाइस, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। बस मैं आप लोग को अपना प्रिडिक्शन लगाकर आप लोग को ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, चलो यार एक बार देखते हैं करके। ओके कुछ हुआ नहीं हुआ, बिकॉज मेरे पास कोई करेक्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है इसलिए कुछ नहीं हो रहा। आई थिंक जब ये करेक्टर अवेलेबल होगा तब जाकर हम लोग ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, देख सकते हो। तो शायद से करेक्टर का कुछ झोल हो रहा है यहाँ पर भाई साहब क्या चल रहा है यार। ओ भाई ये तो हम लोगों ने देख लिया ना। ओके यह क्या है, एक्सप्लोर वर्ल्ड, एक्सप्लोर वर्ल्ड में कुछ डायमंड रॉयल टिकट मिल रहे हैं। ओ भाई साहब ओके क्या करना है गाइस यहाँ पर देख सकते हो। अरे यार पहले हम लोग को लॉगिन करने बोल रहा है ना, गूगल फेसबुक या फिर किसी चीज़ से लॉगिन सेटिंग में जाओ लॉगिन करो, उसके बाद गाइस कुछ ये लोग मैप देंगे, देख सकते हो गाइस यहाँ पर मैप पूरा बना हुआ है, शायद सी ए बरमूडा मैप है हमारा। यहाँ पर गाइस क्लॉक टावर भी दिखाया जा रहा है, क्लॉक टावर और फैक्ट्री के बीच का एरिया दिखाया जा रहा है। इधर गाइस देख सकते हो हंगर वाला एरिया दिखाया जा रहा है, एंड गाइस इधर देख सकते हो ये कौन सा एरिया यार मैं भूल गया, नाम बताना आप लोग कमेंट करके। भाई साहब क्या सीन है यार यहाँ पर। और गाइज मैप वाले में क्या मिल रहा था देखेंगे हम लोग, एक मिनट में देख लेता हूँ। अच्छा मैप वाले में ये डायमंड रॉयल मिल रहा था ना यार, ये एलिट पास कैसे मिल रहा है भाई, अबे एलिट पास का तो सीन बता दो हमें पागल। अच्छा एलिट पास का सीन ये लोग नहीं बता रहे, कैसे मिल रहा है लोल ओ भाई एलिट पास का सीन ये लोग नहीं बता रहे। लेकिन हाँ यार यहाँ पर पोस्टर निकल कर आ चुका, तो हो सकता है गाइज ये जो एलिट पास या फिर मैजिक क्यूब का जो इवेंट है ना, हो सकता है कल या परसों तक में आया या फिर आ भी चुका हो यार, हम लोग समझ नहीं पा रहे। देख सकते हो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कुछ छोटा सा, देख सकते हो गाइस मैजिक क्यूब प्लस आलोक का ये लिखा हुआ है, क्या है यार कहाँ पर मिलेगा ये मैजिक क्यूब, कैसा इवेंट है गाइस। ओ भाई साहब फिलहाल यहाँ पर मैजिक क्यूब नहीं दिखाया गया, हो सकता है यार किसी तरीके से इन लोगों को मिलेगा, कुछ मिशन वगैरह कंप्लीट करने होंगे। ओके और देखते हैं यार क्या क्या इवेंट चल रहा है यहाँ पर। और ये तो मैंने आप लोग बता दिया है गाइस, क्रेट के फॉर्म में अवेलेबल हुआ ये टोकन, बस स्पिन करो टोकन निकालो ले लो। ओके और भी कुछ नहीं, रेयर इवेंट निकल कर सामने आए हैं क्या भाई साहब, जहाँ पर रेयर रेयर आइटम्स दिए जा रहे हैं ये तो हम लोगों ने देख लिया है। ओके ये क्या है यार, ई स्पोर्ट्स, अच्छा ई स्पोर्ट्स मतलब कि गाइज यहाँ पर कुछ शायद से टूर्नामेंट वगैरह चल रहा है, मैं इसमें क्लिक करता हूँ देखता हूँ कहाँ जाते हैं हम लोग। अरे हाँ गाइज यहाँ पर कुछ टूर्नामेंट ही चल रहा है जहाँ पर रॉयल वाचर्स भी दिए जा रहे हैं साथ में डायमंड वगैरह भी दिया जा रहा है। ओके अच्छा फ्री फायर चैंपियनशिप चल रहा है ना, प्रो लीग सीजन 2 चल रहा है यहाँ पर साथ में, देख सकते हो गाइज कॉस्ट्यूम वगैरह भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं, गोटू पे क्लिक करते हैं क्या चक्कर है। ओके तो गाइज ये फेसलेस समुराई कॉस्ट्यूम यहाँ पर अभी भी अवेलेबल है, और कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमन वॉलेट की, अच्छा यार डायमंड का कुछ सीन है गाइस देख सकते हो, 1699 डायमंड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कुछ डायमंड का सीन है गाइस, डायमंड खर्च करना है तब जाकर ये जो कॉस्ट्यूम्स वगैरह वो मिलेंगे। क्या यार है डायमंड 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 करंट प्राइस पॉल। ओके तो ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ गई हैं।
और न्यूज़ में देख लेते हैं गाइस एक बार न्यूज़ में क्या चल रहा है, क्योंकि न्यूज़ में भी ओहो ओ भाई ये क्या दे रहे हैं ये लोग। गाइस देख सकते हो क्रीम का यहाँ पर एडवर्टीजमेंट हो रहा है। ये क्रीम है ना कि फेस वॉश है, शायद से फेस वॉश है भाई साहब, जहर फेस वॉश का एडवर्टीजमेंट हो रहा है। ओ भाई और कुछ देख सकते हो गाइस, मैं यही दिखा रहा था आप लोग का मैजिक क्यूब प्लस यहाँ पर आलो का कॉस्ट्यूम है ना। तो यार कुछ तो यहाँ पर रेयर ये लोग दे रहे, साथ में एलिट पास भी बना हुआ था यार यहाँ पर, कुछ तो दे रहे हैं गाइस ये लोग जहर वाला। फ्री फायर एकेडमी नाम है इस इवेंट का, भाई साहब जहर यार। और FB स्पोर्ट्स तो हम लोगों ने देख लिया इन सारी चीज़ों के बारे में, इंस्टाग्राम और कुछ नहीं है गाइज यहाँ पर। तो गाइज रेयर रेयर आइटम्स यहाँ पर इवेंट में निकल कर सामने आए, साथ में यार जॉम्बी समुराय का कॉस्ट्यूम तो भाई साहब मतलब कि जहर है यार, जॉम्बी समुराय का कॉस्ट्यूम यहाँ पर इवेंट में अवेलेबल हुआ है। तो चलो यार वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आई होप गाइज आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। और गाइज हो सकता है यार कुछ ऐसा इवेंट इंडियन सर्वर में आए, बट यार जॉम्बी समुराय का कॉस्ट्यूम फिर से इंडियन सर्वर में आएगा भी या फिर नहीं आएगा फिलहाल इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ यार आ गया तो और भी बहुत अच्छी बात है। आई होप गाइज आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा किसी और दिन किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट।